आइए देखते हैं बहरचंद मजा आएगा। चुनाव का बहिष्कार कर रहे हैं। बस बहिष्कार करेगा तभी तो सेंट्रल गवर्नमेंट को मालूम पड़ेगा ना। बिरला हुआ, अदानी हुआ, रिलायंस हुआ, जितने उद्योग कंपनी है उसके साथ में मोदी है, और मोदी के साथ में वो करता मैं, मेरा मेंबर हूँ मैं, मेरे पास कार्ड है। अच्छा, आप बीजेपी से? फिर भी मैं बता रहा हूँ, उसके बावजूद आपको शिकायतें? शिकायत नहीं है, कहा है बताओ। सरकार तो बोली थी कि हम अच्छे दिन लाएंगे। वो जो पैसा वहाँ डाला ने वो कोई बिजनेस में डाला तो 10 इंसान मजूरी कर सके तो उसका पेट भरा हुए, वो तो रुपये वाले का पेट भरते, आम इंसान का कहाँ भरा बताओ। गरीबों के साथ विकास की बात हुआ है, गरीबों के साथ तो लूट लेते हैं, गरीबों को तो गरीबों को लूट लेते हैं। अच्छा, क्या कह रहे हैं? कौन सी महंगाई बढ़ी वो बताओ। बेचारानी बढ़ी थी, रात को 12 बजे खड़े खड़े उतार दिया था है, तो कांग्रेस ने उतारा, भाजपा ने क्या चढ़ाया? 10 रुपया चढ़ा था, 2 रुपया उतारा, तो लूटने का धंधा हुआ ने? नहीं, मैं कहते हैं सत्तर लूटने का धंधा हुआ है। कहते हैं बहुत महंगाई हो गई थी, महंगाई को मिटाने के लिए तो बहुत महंगाई है, लूटने की महंगाई है, ये लूटने की महंगाई। सीट पे आके पब्लिक को लूटने का, 50 रुपया चढ़ाने का, 5 रुपया उतारने का, तो लूटने का तो ऐसे लूट लो ने खुले आम। देश को बचाने के लिए सरकार बनाई गई थी बताइए। अरे सरकार तो ये रुपये वाले ने टेके दे दे के बनवाई है, गरीबों ने तो कुछ नहीं दिया। कहते गरीबों ने, सबने पूरे देश की जनता ने, गरीबों ने ये रुपया दे दे के लाए है, रुपया दे दे के लाए। किसने बोल दिया आपसे कि रुपया दे दे के लोग वोट दे? ये 15 सीट इनके लोगों के, मेरे पैसे के, इन लोगों का खड़ा कर देता हूँ, वही सीट मेरे में आती है। तो क्या तू मेरे में सीट में लिया बता? मेरी बात आपको पता कहाँ से चली है जरा ये बताइए। ये पता तो हम लोग तो सब जगह रखते हैं, तो हमारे को मालूम नहीं पड़ती है, हम भी अनाज खाते हैं, क्या गरीब के इंसान के मुंह में से ले लेते हैं, पुलिस वाले भी ले लेते हैं। कहाँ का आप कह रहे गरीबों का निवाला छीन रहे हैं, सरकार तो बताइए। फ्री का लेते राशन ले लेते, मुंह में से ले लेते हैं क्या? ये बताइए, कोई बात नहीं, ये बताइए, बोलने दीजिए जिसको जो बोल रहा है, तो ये बताइए इस बार सरकार दोहराना चाहते हैं या परिवर्तन चाहते हैं? मैं तो बोलता हूँ आम आदमी को मत, सीधा कुछ इस दफे तो इलेक्शन में है ना, चुटनी देने की इतने मत, आप सीधा चुनाव का बहिष्कार कर रहे हैं? बस बहिष्कार करेगा तभी तो सेंट्रल गवर्नमेंट को मालूम पड़ेगा ना ये क्या चीज हुई है। तो मतलब गुजरात चुनाव का बहिष्कार और साल 2024 पर वार कर रहे हैं क्या? तो तुम्हारा विषय, हमारा थोड़ा विषय। इंडिया में रोजगार है कितना, माइनस पॉइंट पे आ रहा है, वो किसकी गलती है? हमने जिसको बैठा है, तो हमने आगे जिसको बैठा है कि भाई ये हमको आगे बढ़ाएगा, वो हमको कम करके रख दिया है। अच्छा, तो सरकार तो दावे करती है हम तो लाखों लाख रोजगार रहे हैं। एक सेकंड में आपको बता रहा हूँ, आपको मैं बूट 5,000 का पहना दे रहा हूँ, 10,000 का सूट पहना दे रहा हूँ, किसे में पैसा नहीं दूंगा। आप कपड़ा खाओगे कि अनाज खाओगे, क्या खाओगे आप? सरकार हमारे ने वही काम करा है, खाली विकास 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 बता दिया है, बाकी अंदर कुछ भी। तो ये विकास विकास जो बोल रही है, फिर वो कौन सा विकास है जो आम जनता को नहीं दिख रहा है? ये बताओ मेरे को, मैं आज एयरपोर्ट गिरवी है, रेलवे स्टेशन गिरवी है, इतने सारे सब पैसे, यानी कि जितने भी इंडिया के अजूबा चीजें सब गिरवी है, उसके जो पैसे आए, अपने घर की दागिने तुम गिरवी रखते हो, वो पैसे आते तो कोई कारोबार में इन्वेस्ट करते हो, हमारी सरकार ने वो पैसा करा क्या? किसी के पास तो पैसा नहीं है, रोजगारी तो है नहीं, प्रॉपर्टी में कारोबार है नहीं, ये पैसा हमारा सरकार करा क्या? अपना घर बन गया। प्राइवेटाइजेशन के बारे में कुछ बोलना चाह रहे हैं क्या? कुछ धंधा नहीं है, कारोबार किसी का भी नहीं है, ना हमारे रिक्शा वाले का है, ना तो कोई व्यापारी इंसान का है, सब परेशान है सब। वो उसकी वजह इन्वेस्ट करने के लिए उसके पास मूड़ी नहीं है, और मूड़ी नहीं है, वो मूड़ी देगा कौन? बैंक देगा, सरकार देगी, वो सरकार के पास है नहीं, सरकार ने अलग ही कर। कुछ कह रहे कि पहले वाली सरकार थोड़ी अच्छी थी, आपकी सरकार से बड़ी बात नहीं बोलूंगा। आपकी प्रॉपर्टी आपके पप्पा ने आपको दिया संभालने के लिए, आप उसको क्या करोगे, बढ़ाओगे कि कम करोगे? आप क्या करोगे, आप मुझे इसका जवाब दो। आपके पप्पा ने आपको 1 करोड़ की प्रॉपर्टी दिया है, आप उसको कम करोगे कि बढ़ाओगे? आप बताइए क्या करेंगे? हम तो बढ़ाएंगे उसको, लेकिन आप क्या करोगे? हमारी सरकार ने उसको कम कर डाला है। सरकार नहीं, ये तो देश को आगे बढ़ाने की बात होती है। किस तरह हमारे को बताओ, प्रॉपर्टी को हर देश चाहता है कि आगे बढ़ाए, कौन चाहता है घटे? हमने बढ़ाया कहाँ? हमारी सरकार ने जो प्रश्न हमारी सरकार का था उसको गिरवी डाल दिया है, तो उसको कहाँ से वो बढ़ाया उसने, गिरवी डाल दिया, यानी मतलब क्या है कि माइनस में जा रही है हमारी सरकार, एक इंसान माइनस में जा रही है। इस बार कौन फिर सरकार प्लस
बस पर लेके जाएगी देश को। एक बात समझो, जिसके पास पैसा है उसका वोट है। हमारे मोदी सरकार को पैसा है क्योंकि उद्योगपति उसके कब्जे में है, उसकी सरकार बनेगी मोदी सरकार की। कुछ लोगों का आप कह रहे हैं कि उद्योगपति उनके साथ है, लेकिन देश की इतनी जनसंख्या है, कुछ तो विश्वास करके जिता रही होगी। टाटा बिरला हुआ, अदानी हुआ, रिलायंस हुआ, जितने उद्योग कंपनी है उसके साथ में मोदी है और मोदी के साथ में वो है, जीतेंगे हमारे मोदी कराएगी। कह रहे बताओ पैसों के बल पर जो है वोट जीत रहे हैं। अपना मोदी सरकार सही है अपनी, तो बस कोई 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 नहीं, सब बढ़िया। कह रहे बहुत बढ़िया है, अच्छे दिन आपके आ गए। अच्छे दिन आपके, अच्छे दिन आ गए। बीजेपी कार्यकर्ता में मेरा मेंबर हूँ मैं, मेरे पास कार्ड है। अच्छा आप बीजेपी से? फिर भी मैं बता रहा हूँ। उसके बावजूद आपको शिकायतें? अपनी पार्टी से नाराजगी क्यों हो गई इतनी? बता तो दिया आपको मैंने, पार्टी हमको खाना खिलाने नहीं आ जाएगा, रोजगारी हमको खाना खिलाएगा हमारे परिवार को। लॉकडाउन के बाद कारोबार खत्म है, लॉकडाउन के बाद तेल का डब्बे का भाव जो 1000 रुपया था वो 3000 रुपया क्यों हो गया? लॉकडाउन के बाद तो देश को छोड़े विदेशों की अर्थव्यवस्था जो थी वो डगमगा गई। वो डगमगा गया, मान गया। तेल के डब्बे का चलो भाव बढ़ गया, तो महंगाई बढ़नी चाहिए कि कम होनी चाहिए? सरकार हमको सपोर्ट करना चाहिए और गिराना चाहिए? सरकार को सपोर्ट करना चाहिए ना, हम योजनाएं चलाती तो है सरकार गरीबों के साथ के लिए, गरीबों के लिए। वो कैसा है आज एक बात समझ के चलो, जिसके पास पैसा है, जिसके पास पहुंच है, वो चीज उसके पास जाती। गरीबों के पास आते आते वो बिल्कुल डिवाइड हो जाए, 100 में से 5% तो चला जाता उसके पास, क्योंकि कोई पूछने वाला नहीं है। जिसने आवाज किया वो बेचारा अंदर गया। ये कौन सी बात बता रहे, जो आवाज कर रहा है वो अंदर जा रहा है। देखिए अभी तो आप खड़े हो एकदम कैमरे और माइक के आगे बात तो कर रहे हैं आप, क्लियर बात कर रहा हूँ मैं। ये माहौल ही ऐसा चल रहा है। कैसा माहौल चल रहा है अभी? अभी कुछ भी नहीं, अभी तो सब क्लियर है। लेकिन क्लियर ये बात ये कि रोजगारी में हम परेशान है। सरकार कोई भी हो उनको रोजगारी देना चाहिए। सरकार चाहे कोई भी बने, हमारा मुद्दा है कि बताइए सरकार के आने के बाद और ज्यादा फला फूला सरकार दावे करती है। दिवाली एकदम पूरी फेल रही, और काम धंधे है नहीं, आमदनी आमदनी अठन्नी और खर्चा रुपया।